गाइस, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एआर में। और आज के लिए मैं टॉपिक लेके आया हूँ आर्टिकल। गाइस, बेसिकली और प्रैक्टिकली बोलूँ तो आर्टिकल्स एक ऐसा टॉपिक है जिसे अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कैनेडियंस डिटर्मिनर्स का नाम दिया गया। डिटर्मिनर्स हमने पढ़े भी होंगे, डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। अगर मैं सिंपली बोलूँ डिटर्मिनर्स क्या होंगे तो आपने देखा होगा, जैसे किसी भी चीज़ पे मैंने कहा माय हो गया, योर हो गया, तो इन चीज़ों को डिटर्मिनर्स का नाम दिया गया था। इन्हीं चीज़ों से सेम जो पोजिशन है, ऐसा ही सेम पोजिशन कौन शो करता है? आर्टिकल शो करते हैं। इसीलिए मॉडर्न ग्रामरियंस ने आर्टिकल्स को एज डिटर्मिनर्स डिफाइन किया। और आपको आर्टिकल्स पढ़ने कितने हैं? बस दो टाइप्स पढ़ने हैं कि आर्टिकल्स के दो टाइप्स होते हैं, डिफाइनेट और नॉन डिफाइनेट। ठीक है, जिसमें आप इतना पढ़ोगे कि डिफाइनेट और नॉन डिफाइनेट इसमें आर्टिकल का भी यूज़ करते क्यों एक्चुअली सेंटेंस में सेंस लाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल के मैं लिखता हूँ शी इन डैश एक्सीलेंट, ठीक है, मैंने एक्सीलेंट लिखा, उसके बाद मैंने पर्सन डाल दिया पर्सन, शी इज डैश एक्सीलेंट पर्सन, ये मैंने लिख दिया। या कोई और सेंटेंस लिख देता हूँ, दिस is dash book. अगर इन सेंटेंस को आप ऐसे ही पढ़ोगे, this is book, this is she is excellent person, ठीक है, या excellent girl, जो आप जो भी आपको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अच्छा लगे वो डाल दें, ठीक है, she is excellent girl। आपने देखा होगा इस सेंटेंस में एक फॉर्मेशन है जहाँ पर डैश है, डैश डैश की जगह पर मुझे आर्टिकल फिक्स करना। अगर मैं नहीं करता तो कितना बड़ा चेंज आता। देखो शी इज एन आएगा, इसमें ए आएगा, दिस इज अ बुक। बट अगर बिना आर्टिकल्स के देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? शी इज एक्सीलेंट पर्सन या एक्सीलेंट गर्ल, दिस इज बुक, इतना ही मिलेगा। ये फॉर्मेशंस हो जाती हैं गलत अगर आप इस तरह से लिखते हो विदाउट आर्टिकल्स, क्योंकि आर्टिकल्स इसीलिए दिए होते हैं ताकि आप उनको यूज करो प्रॉपर सेंटेंस बनाने में, ठीक है, सेंटेंस मेकिंग में। और आर्टिकल मिस्टेक मत करना। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, और इन्फॉर्मेटिव के साथ में आप ये समझ जाओगे कि कितना आपको आर्टिकल्स का यूज़ करना है डेली लाइफ में भी, वाइल स्पीकिंग और वाइल राइटिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखना, आर्टिकल्स दो टाइप्स होते हैं, ए एंड द। आपको आर्टिकल का मीनिंग पता है कि ए एंड द का मीनिंग क्या होता है? नहीं पता, मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, कोई बात नहीं। आर्टिकल्स का आप मीनिंग पढ़ते हो जब, तो इतना ही मीनिंग पढ़ोगे आर्टिकल्स के लिए कि आर्टिकल का मीन होता है एक या फिर कोई, ठीक है, ये इनका बेसिक मीन होता है जो बहुतों को नहीं पता होता, ठीक है। तो ये भी लिख लेना, आर्टिकल का ए एन का जो हम लगाते हैं वो ऐसे ही नहीं लगाते कि हाँ लगा दिया ए एन को, तो ऐसे भी पढ़ने वाला हटा भी दे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये मत सोचना हटा दोगे तो कुछ नहीं होगा, हटा दोगे तो सेंटेंस गलत होगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो काफ़ी ज़्यादा हद तक आर्टिकल्स आते हैं और सेंटेंस में इसीलिए फाइन किए जाते हैं आर्टिकल्स के थ्रू। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट मैं स्टार्ट करूँगा आर्टिकल्स को आपको यूज़ कहाँ करना है। आर्टिकल्स का यूज़ करोगे आप, आपका कोई सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें आर्टिकल का यूज़ करना है आपको बिफोर द नाउन, बिफोर द नाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए शी इज गर्ल, वह लड़की है, गर्ल का सेंटेंस आर्टिकल लगा दोगे, ये नाउन है, शी इज अ गर्ल, क्लियर, सही है। अगर सेंटेंस में नाउन के पहले क्या जाता है एडजेक्टिव आ जाता है, मे बी एडजेक्टिव आ जाता है, लाइक इस गर्ल की कोई विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव आ गया शी इज अ, सॉरी शी इज एक्सीलेंट, ठीक है, एक्सीलेंट गर्ल, शी इज एक्सीलेंट गर्ल, ठीक है। तो नाउन कहाँ आएगा? नाउन आएगा एक्सीलेंट से पहले, ठीक है, यानी कि अगर नाउन यहाँ है और नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाता है तो एडजेक्टिव के पहले आएगा आर्टिकल, ठीक है। इसी तरह से थर्ड चीज भी सब देख लो, अगर ये पोर्शन होता है बिफोर एडवर्ब, ठीक है, ये पोर्शन होता है आपका बिफोर एडजेक्टिव,
ठीक है, ये एडवर्ब है। अगर एडवर्ब आ गई सेंटेंस में तो उसके पहले ना लगाओगे आप आर्टिकल, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के मैं एडवर्ब डालता हूँ, शी इज अ वेरी एक्सीलेंट गर्ल, इतना क्लियर है, शी इज अ वेरी एक्सीलेंट गर्ल। तो इस तरह से आपको आर्टिकल्स के यूज करने हैं बेसिकली, ठीक है। अब मैं कुछ पोर्शंस बताऊंगा जहाँ पे आपको ऐसा होता है कि आर्टिकल साइलेंट हो जाते हैं या फिर आर्टिकल्स का कोई यूज नहीं होता, या फिर ऐसे पोर्शंस भी होते हैं जहाँ पे आपको एयर का यूज नहीं करना पड़ता, दा का यूज करना पड़ता है, या जहाँ दा साइलेंट होता है एयर का यूज करना पड़ता है। तो पोर्शंस भी देख लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विद आर्टिकल्स, ठीक है। मैंने आपको ये बोला था आपको आर्टिकल्स का यूज क्या करना है, नाउन के पहले करना है, और नाउन के पहले आपको आर्टिकल्स का यूज कब करना है और कौन से आर्टिकल का यूज, जैसे फॉर एग्जांपल के एन, इनके सारे लिमिटेशंस होती हैं टू सम एक्सटेंट यू कैन यूज देम, ओनली टू सम एक्सटेंट। अब वो एक्सटेंट क्या है वो देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर और काउंटेबल है, सिंगुलर काउंटेबल इसका बेसिकली मीन बताऊंगा, सिंगुलर काउंटेबल मतलब अकेला हो और काउंटेबल हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए गर्ल, मैं लिख दिया गर्ल, लिख दिया टॉय, लिख दिया बॉय, लिख दिया कुछ भी ऐसे चीजें जो नाउन हो और वो सिंगुलर हो काउंटेबल हो, तो उसके आगे आपको लगाना आर्टिकल, आपको पता है क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट आता है कि आर्टिकल्स का यूज आपको कब कब करना है, ठीक है। एक तो ये हो गया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करना है, वो भी ए एन का, सिर्फ यूज ऑफ ए एन, ठीक है, जाकर हम बाद में पढ़ेंगे। एच प्रोनंस विद और एच साइलेंट, ठीक है। इसका मतलब ये है बेसिकली अगर सेंटेंस में एच का साउंड है, ठीक है, एच का साउंड है तो वहां पे तो आप ऑब्वियसली ए लगाओगे, ठीक है। बट एच का साउंड जहाँ पे साइलेंट हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑनर, ऑनर में एच का साउंड साइलेंट हो जाता है, ऑनेस्ट में हो जाता है ना, एच का साउंड क्या होता है साइलेंट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, एन लगाओ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको वहां पे यहाँ पे वॉवल गिवन होगा, ठीक है, इन फ्यूचर नहीं भी होता है, बट साउंड हो वॉवल का, आपको वर्क करना है कि साउंड वॉवल का ही होना चाहिए। अगर साउंड वॉवल का आ रहा है ना तो आपको कहीं नीचे कोई सा भी अल्फाबेट हो आपको बस एन फिक्स कर देना है, ठीक है, क्या फिक्स कर देना है, एन। बट अगर साउंड नहीं आ रहा है तो ए ही रह देना है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये बी टू जेड, ठीक है, या फिर ए टू मेरे पास जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं 26 अल्फाबेट्स होते हैं मेरे पास, 26 अल्फाबेट्स में से आपको A to Z जितने भी अल्फाबेट्स हैं जो कि वॉवल हैं, जैसे A E I O U, ये सारे मेरे पास वॉवल होते हैं, वॉवल से पहले आपको N का यूज करना है, या साउंड भी है वॉवल का तब भी N का यूज करना है, ठीक है। और अगर वो वॉवल होते हुए भी साउंड नहीं दे रहा है तो वो जरूरी होती है कि वॉवल ही डाल ए नहीं डालना है, ए डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो ए टू जेड हमने निकाल लिए सारे वॉवल्स निकाल लिए। अब बी टू जी जितने बचे हैं, बी टू जी जितने भी अल्फाबेट्स बचे हैं आगे का लगाना है, ए लगाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, इधर में मैं कि एच पर यहाँ पे साउंड है वहाँ पर, तो आपको ए लगाना है, यहाँ पे ऐसे साउंड साइलेंट हो जाता है और वॉवल का साउंड आता है तो वहाँ पे आपको लगा देना है एन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बिफोर एब्रीवेशन, एब्रीवेशन क्या होता है, एब्रीवेशन मैं बोलूँ तो शॉर्ट फॉर्म्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए बी ए है ना, बी ए एक शॉर्ट फॉर्म है, बी ए ले लो या फिर एम एल ए ले लो है ना, या फिर एम पी ले लो, ये क्या है सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं। मेरे पास कोई अगर सेंटेंस आता है कि ही इज डैश एम पी, ठीक है, ही इज क्या है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, को पार्लियामेंट का मेंबर है, ठीक है, ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मुझे यहाँ पे अगर कोई आर्टिकल फिक्स करना है तो मैं कौन सा आर्टिकल फिक्स करूँगा, ऑब्वियस करूँगा एम, क्यों, क्योंकि एम पी जितने भी एब्रीवेशन होते हैं मोस्ट ऑफ द एब्रीवेशन के साथ में आप लगाओगे एम, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एब्रीवेशन के साथ में आपको एम लगाना है अगर वॉवल का साउंड आ रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट चार्ट करते हैं जहाँ पे आपको यूज नहीं करना है आर्टिकल्स का, बिल्कुल यूज नहीं करना। कई सारी ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर आर्टिकल्स का यूज आपके लिए बैन होता है, ठीक है। वो कौन सी कंडीशन होती है, देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ना वो ऐसे ही आएगा कि आपको जैसे कोई सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पे ए लगा दिया है और सेंटेंस में अगर मैं कहता हूँ एरर फाइंड आउट, तो आप एरर क्या करोगे, इसको इम्प्रूव कितना कर सकते हो, इम्प्रूव इतने कर सकते हो, इसमें एन लगा सकते हो, है ना। अगर अभी मेरा एब्रिविएशन दिया हुआ है तो मैं एन लगा सकता हूँ, इतने ही तो एरर मुझे दिख रहा है, इतने आपको करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं एन के यूज कब नहीं करना। अगर वो प्लूरल नाउन है तब नहीं करना। प्लूरल नाउन जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक रैंडम से एग्जाम्पल ले लेता हूँ, डैश cows give milk, गाय दूध देती है, ठीक है। अगर मैं मुझे इसमें कोई आर्टिकल फिक्स करना हो तो मैं क्या करूँगा, कुछ भी नहीं, क्यों, क्योंकि cow क्या है, प्लूरल नाउन है मेरे पास, प्लूरल नाउन से पहले मुझे नहीं करना, बैन है मेरे लिए, ठीक है। प्रॉपर नाउन देखिए, नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले नहीं करना। प्रॉपर नाउन क्या होता है हमारे, किसी भी चीज़ का नाम दिया हुआ है मेरे पास, प्रॉपर नाउन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये रैंडम से एग्जाम्पल लिया मैंने, टुडे इज डैश मंडे, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया जो भी है, टुडे इज डैश मंडे, ठीक है, एग्जाम्पल लिया। इसका आर्टिकल फिक्स करना तो क्या करूँगा, कुछ भी, क्यों, क्योंकि मंडे क्या है, क्योंकि डे का प्रॉपर नाम है, प्रॉपर नाम है, तो उससे पहले यूज नहीं करना है, प्रॉपर नाउन है उनके पहले आप नहीं करोगे। अगर आपको नाउन में कोई प्रॉब्लम है तो आई थिंक मैंने नाउन पे भी वीडियो बना रखा है, ठीक है, नहीं बना रखा होगा मैं डाल दूंगा, बाकी आप देख लेना, ठीक है। तो आपको बस वर्क करना है, मैंने प्रोनाउन भी करवा दिए हैं, ठीक है, आपको इन पे वर्क करना है जिससे कि आपको पता लगे प्रॉपर नाउन क्या होते हैं या कॉमन नाउन क्या होते हैं, जितने भी नाउन होते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर को थोड़ी ना काउंट करोगे, वाटर हो गया, गिव मी डैश वाटर, इसके आगे आप क्या नाउन लगाओगे, सॉरी आर्टिकल क्या फिक्स करोगे, कुछ भी नहीं, क्यों, क्योंकि आपको इतना समझ में आ गया ना कि अनकाउंटेबल नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल जैसे एन फिक्स नहीं करना, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसको आपको एक चीज, एक फॉर्मेशन आनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन है, दैट इज योर अनकाउंटेबल टू काउंटेबल, अनकाउंटेबल टू काउंटेबल, ये आपको फॉर्मेशन आनी चाहिए, अनकाउंटेबल टू सॉरी अनकाउंटेबल टू काउंटेबल। वो फॉर्मेशन क्या होती है, जिसमें बस वाटर है, वाटर को मैं काउंटेबल कैसे बना सकता हूँ, क्या लगा के अगला सब तभी मेरा काउंटेबल बन गया, काउंटेबल बना तभी तुरंत ही आर्टिकल आ गया, देखा जादू मैजिक। इसको देखना है आपको, इसको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, कि आप कैसे इस तरह से किसी भी अनकाउंटेबल चीज़ को कैसे काउंटेबल बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई अगर राइस भी है तो मैं राइस कर दूंगा अ बोल ऑफ राइस, ठीक है। न्यू अगर मेरे पास एग्जाम्पल आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में मेरे पास ऐसे होता है फर्नीचर, फर्नीचर मेरा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है मेरे पास, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, फर्नीचर में मुझे कोई भी ए एन नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि मेरा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसमें आपको फर्नीचर में अगर आपको इसे आर्टिकल फिक्स करना है, फिर आप इसको क्या करो, अनकाउंटेबल टू काउंटेबल चेंज करो, उसके बाद आप इसमें आर्टिकल फिक्स कर दोगे ए एन, इतना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आप इतना वर्क इतने पोर्शन पे वर्क करोगे और अपने आर फाइंड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको दा पे बताऊंगा कि आप दा पे कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।